लास्ट क्या पढ़े थे, मूललता और मूललता में अंतर हो गया था। ठीक है, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, पिछले क्लास में हम आप लोगों ने डिस्कस किया सांद्रता। अच्छा, सांद्रता को डायरेक्ट आपने नहीं पढ़ा, सांद्रता थ्रू आपने डायरेक्ट किसके जरिए पढ़ा, मूललता के जरिए, कि भाई मूललता का ही एक दूसरा रूप क्या है, सांद्रता है। सांद्रता को ज्ञात करने का एक मेथड था मूललता। मूललता के अलावा पिछले क्लास में हम आप लोगों ने डिस्कस किया मूललता, फिर इस दोनों के बीच एक डिफरेंस वाला क्वेश्चन भी देखा कि मूललता और मूललता में अंतर स्पष्ट करिए, और फिर आपने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ लिया, मूल अंश पढ़ा। एक्चुअल में सबसे पहले इसी चीज़ को पढ़ा, जिसमें एक अच्छा सा क्वेश्चन बना था कि सिद्ध करें बिलियन का मूल अंश कितना होता है, इकाई होता है, एक होता है। आज के लेक्चर में हम आप लोग डिस्कस करेंगे, इसी क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे और एक चौथा पॉइंट पढ़ेंगे जिसका नाम होगा नॉर्मलता। इसी नॉर्मलता को ना आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं सर, नॉर्मल सांद्रता। तो नॉर्मलता और नॉर्मल सांद्रता में क्या डिफरेंस है, अरे भाई दोनों एक ही चीज़ है, बस दो अलग अलग नाम है। अब नॉर्मलता है क्या, तो इसे इस फिगर के माध्यम से समझिए कि नॉर्मलता क्या है। ये एक बिलियन है और इस बिलियन का एक लीटर आयतन लेना है। बिलियन का कितना आयतन लेना है, एक लीटर आयतन लेना है, और इसमें दो चीज़ होंगे भाई, बिलियन के अंदर दो चीज़ होगा, एक विलय होगा और दूसरा क्या होगा, विलायक होगा। तो भूल जाना है कि विलायक क्या है। अब सारा चर्चा बिलियन के आयतन में किसके लिए करना है, विलय के लिए करना है, और विलय का ग्राम समतुल्यांक देखना है। क्या देखना है, ग्राम समतुल्यांक। अगर एक लीटर बिलियन में विलय का एक ग्राम समतुल्यांक है तो नॉर्मलता एक होगा, 0.5 ग्राम समतुल्यांक है तो नॉर्मलता 0.5 होगा। अर्थात कहने का मतलब हुआ, किसी बिलियन के एक लीटर आयतन में, कितने आयतन में, एक लीटर आयतन में उपस्थित किसके ग्राम समतुल्यांक को, विलय के ग्राम समतुल्यांक को क्या कहते हैं, नॉर्मलता या नॉर्मल सांद्रता कहते हैं, या इसी को ना बहुत बार सामान्यता के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, सामान्यता भी आप बोल सकते हैं। सो लिखिए सबसे पहले डेफिनेशन, किसी बिलियन के, किसी बिलियन के प्रति एक लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम समतुल्यांक को, विलय के ग्राम समतुल्यांक को नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। बिल्कुल सामान्य रूप से देखिए, हर एक चीज को बेसिक से बतलाया जा रहा है। आप रेगुलर कोर्स किए या नहीं किए कोई मतलब नहीं है, अगर आप इन कोर्स को कर लेते हैं और इसके सारे लेक्चर्स आप देख लेते हैं तो बोर्ड एग्जामिनेशन में आप अच्छे मार्क्स की ओर बिल्कुल पहुंचेंगे। इसे एन से सूचित किया जाता है, तो सिंबल बन गया क्या, एन। अब जब कभी भी किसी भी चीज़ का आप डेफिनेशन लिखते हैं और वो मैथमेटिकल डेफिनेशन हो तो उसका सूत्र बनता है सर, उस सूत्र को शत प्रतिशत लिखिए तो ही आप अच्छे मार्क्स की ओर जा सकते हैं। तो सूत्र को लिखने से पहले हम सामान्य तौर पर हम किसका प्रयोग करते हैं, अर्थात का। अर्थात का मतलब होता है उसी का दूसरा रूप, हाँ अलग रूप उसी का दिखाना है। नॉर्मलता बराबर जी ई क्यू विलय। अच्छा ये क्या आ गया भाई, जी ई क्यू विलय क्या हो गया, विलय का ग्राम समतुल्यांक या विलय का ग्राम तुल्यांक बटा भी बिलियन, और ये जो बिलियन होना चाहिए वह किस में होना चाहिए, लीटर में। तो क्या सर हम इतना लंबा लंबा लिखेंगे, अरे नहीं, इसको आप सिंबल में लिख दो, एन बराबर जी ई क्यू बटा आप वॉल्यूम को क्या लिखते हैं, भी, तो ऑलरेडी क्या लिख दीजिए, भी लिख दीजिए, सिंपल सी बात है। तो नोट करिए यहाँ तक, क्विक लिखते लिखते एक बात सुनिए, एक दो क्लास के बाद, क्लास ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है, ठीक है। लिखते लिखते इन बातों को ध्यान से सुनिए, एक दो क्लास के बाद क्लास 11th का ऑर्गेनिक यूट्यूब पर हम अपलोड करेंगे, जिसमें बिल्कुल बेसिक से ऑर्गेनिक पढ़ाया जाएगा। क्लास 11th का जीओसी से स्टार्ट किया जाएगा। क्लास 11th में तीन चैप्टर ऑर्गेनिक के हैं और वो तीनों चैप्टर्स आपके सामने आएंगे, तो 11th के बच्चे जुड़ सकते हैं और उन लेक्चर का आनंद ले सकते हैं, सीख सकते हैं। हो गया, ठीक है।
इसको और तोड़ा जा सकता है सर? आप लोग तो वैसे भी तोड़ने में माहिर हैं, दो दोस्तों के बीच की दोस्ती झगड़ा लगा लगा के तोड़ते रहते हैं ना, कभी तोड़े हो क्या? इसमें से कौन दो दोस्तों के बीच की दोस्ती को तोड़े? तोड़ा सब होगा, झगड़ा सब लगाया होगा, स्वीकार कोई नहीं करेगा। चलिए अच्छी बात है, स्वीकारना भी नहीं चाहिए। अब इसको ना देखिए, ये विलय का ग्राम समतुल्यांक है क्या? आयतन तो समझ में आता है सर, आयतन है, ग्राम समतुल्यांक क्या है? विलय का भार बटा तुल्यांक की भार। कौन सा भार? आप रेगुलर बैच के अंदर, अलेवंथ के अंदर तुल्यांक की भार या समतुल्य भार भर भर के पढ़े होंगे, बहुत आसान काम है, तुरंत आप सीख जाइएगा तुल्यांक की भार क्या होता है। तो चलिए इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अब नॉर्मलता का सिंबल लिख दें एन। अच्छा, ग्राम इक्विवेलेंट विलय यानी विलय का ग्राम समतुल्यांक को अब लिखेंगे विलय का भार। विलय का क्या? भार। अच्छा, ये भार हम लेते किस में है? ग्राम में। बटा कौन सा भार? तुल्यांक की भार। तुल्यांक की भार को अंग्रेजी में आप इक्विवेलेंट वेट कहते हैं, तो सूचित किससे करेंगे? ई से। भी बिलियन, भी मतलब वॉल्यूम, भी बिलियन किस में? ML में। अब ML में हो उसको ले जाना किस में है? लीटर में। तो थाउजेंड से हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। क्लियर ना सर? अब इसको और थोड़ा, ये हुआ कि दाब दाब के भर भर के एक ही जगह पर लिखना, थोड़ा दूसरे पेज में चलते हैं, इसको लिख लीजिए फिर चलते हैं दूसरे पेज में। क्या आप उसको लिख दिए हैं? क्या हम दूसरे पेज में गए? नहीं गए। इसी को कहते हैं चुनावी वादे, चुनाव से पहले कर लिए जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद उसी जीवन शैली के साथ, उसी सुविधा के साथ जनता को जीना पड़ता है। और सुविधा क्या हुआ कि पहले वाला जो कठिनाई थी उसको थोड़ा हटा दिया गया, नया कुछ नहीं लाया गया, हो गया। इसको कहते हैं चुनावी वादे। तो चलिए इस वादे के साथ आप लिखिए विलय का भार। भार को हम किससे सूचित करते हैं? एक्स से। और तुल्यांक की भार को किससे सूचित करते हैं? ई से। 1000 बटा का बटा ऊपर जाकर सटा बटा भी ML, भी इन ML। तो ये मोलरता से थोड़ा सा अलग है भाई, मोलरता में यहाँ पर अनुभार आता था और नॉर्मलता में यहाँ पर तुल्यांक की भार आ रहा है, यही फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा अम्ल आ जाए जिसका क्षारकता बराबर हो, तो उसका मोलरता और नॉर्मलता दोनों आपस में क्या होगा? बराबर हो जाएगा। वैसे क्वेश्चंस करके देखेंगे, पहले इसको टेक्निकली रूप से आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ा जाए। अब सर इसका मात्रक क्या होगा? तो स्टार लगाइए और लिखिए नॉर्मलता का मात्रक, नॉर्मलता का मात्रक ग्राम इक्विवेलेंट प्रति लीटर होता है, ग्राम इक्विवेलेंट प्रति लीटर होता है। आप लोग इसे लिख सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स होता है। अरे भाई कैसे होता है, तो करके भी दिखाना। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ जाए, क्या क्वेश्चन आ जाए? नॉर्मलता का मात्रक ज्ञात करिए। तो आप कैसे लिखिएगा सर? नॉर्मलता बराबर ग्राम इक्यू विलय, ग्राम इक्विवेलेंट विलय बता भी बिलियन। तो अब जिसका जो मात्रक है रख दीजिए, ग्राम इक्विवेलेंट का मात्रक ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट, और आयतन का मात्रक लीटर। तो हो गया ग्राम इक्विवेलेंट प्रति लीटर या लीटर इनवर्स। क्विक, अब चारों बेसिक पॉइंट आ चुके हैं, जितना हमें बतलाना था बेसिक में उतना हमने इस क्वेश्चन के जरिए आपको बतला दिया। इस क्वेश्चन से, इस टर्म से एक पॉइंट निकल के आते हैं सर कि जो आयतन पर डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा? यानी जिस किसी भी टर्म में आयतन आ जाए वह ताप में परिवर्तन के कारण परिवर्तित तो होगा, और जिसमें आयतन ना आए वह ताप में परिवर्तन के कारण परिवर्तित कतई नहीं होगा। जैसे अब इमेजिनेशन करिए कि हमारे पास क्या था, मोल अंश। सबसे पहला आपने यही पढ़ा, बताइए मोल अंश में, मोल अंश को कैलकुलेट करते समय कहीं पर इसमें वॉल्यूम आया था क्या? नहीं आया था ना। क्या ये ताप में परिवर्तन के कारण परिवर्तित होगा? नहीं होगा। दूसरा क्या आया था, क्या इसमें आयतन आया था? आया था सर। इसी का एक दूसरा नाम भी था सांद्रता, मतलब इसमें भी आयतन आया है, तो क्या ये ताप में परिवर्तन के कारण परिवर्तित होगा? बिल्कुल होगा सर, इसको हमें हाँ कहना पड़ेगा। नॉर्मलता ताप में परिवर्तन के कारण परिवर्तित होगा? बिल्कुल होगा सर, इसमें भी आयतन आया।
क्या मूललता ताप में परिवर्तन के कारण परिवर्तित होगा? नहीं होगा। अच्छा, जो आप पढ़े या नहीं पढ़े उस पर भी बात कर लेते हैं। जैसे मैं कहूँ द्रव्यमान प्रतिशत क्या आयतन में परिवर्तन के कारण परिवर्तित होगा? नहीं होगा। मतलब यहाँ सही गलत बात है, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान है। लेकिन अगर क्वेश्चन हो कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है, तो द्रव्यमान इसके वजह से नहीं बदल रहा है, लेकिन इसके वजह से तो बदल जाएगा ना, तो फिर बदलेगा। और आयतन प्रतिशत केवल हो तो भी वह बदलेगा। पीपीएम हो तो पीपीएम तीनों सिचुएशन में व्यक्त होता है। अगर द्रव्यमान के रिस्पेक्ट में व्यक्त हो रहा है तो नहीं होगा, द्रव्यमान आयतन के रिस्पेक्ट में व्यक्त हो रहा है तो होगा, केवल आयतन के रिस्पेक्ट में व्यक्त हो रहा है तो भी परिवर्तन होगा। मूल रूप से बोर्ड क्वेश्चन पूछता रहा है मोलरता, मोललता, सांद्रता, नॉर्मलता और मोललता, इन चारों पांचों को मिलाकर क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में कौन ताप में परिवर्तन के कारण परिवर्तित होगा, कौन ताप में परिवर्तन के कारण परिवर्तित नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, इससे मुलाकात होता रहेगा। अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ूँ, उससे पहले मैं आपको एक टर्म बतलाता हूँ। नोट करके लिखिए, तो नोट करके आप हमारे साथ साथ लिख सकते हैं। देखिए, एक्चुअल में सर मोलरता का सूत्र होता है, या मोलरता और नॉर्मलता में जब रिलेशन लाया जाता है तो मोलरता बराबर होता है नॉर्मलता, नॉर्मलता बटा कुल आवेश, या अम्ल के लिए इस बात को हम आप लोग क्या लिख सकते हैं, क्षारकता लिख सकते हैं। अम्ल के लिए क्या लिख सकते हैं, क्षारकता सामान्य तौर पर। और किसी यौगिक के लिए अगर हम बात करेंगे, और मैं दोनों बात यहाँ लिखता हूँ, और मोलरता बराबर एन बटा टी चार्ज। चूँकि जब अम्ल या क्षार नहीं हो, अम्ल या क्षार नहीं हो तो तब क्षारकता या अम्लता तो काम नहीं करेगा। जब क्षारकता या अम्लता काम नहीं करेगा तब टी चार्ज ही काम करेगा। लेकिन टी चार्ज की भी स्पेशल टर्म है सर। क्या स्पेशल टर्म है? या तो पॉजिटिव या फिर निगेटिव, ऐसा नहीं कि दोनों जोड़ दीजिएगा, दोनों जोड़ दीजिएगा यौगिक है, जीरो हो जाएगा ना। अब इस पर काम कैसे किया जाता है, उससे पहले हम अम्ल देखते हैं। अम्ल फिर उसका क्या लिखते हैं, क्षारकता लिखते हैं। देखिए HCl अम्ल है, इसका क्षारकता कितना होगा, एक होगा, क्योंकि एक केवल हाइड्रोजन आ रहा है, एक ही प्रतिस्थापनशील हाइड्रोजन है। क्षारकता क्या है, प्रतिस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है। दूसरा HNO2, इसका भी क्षारकता कितना होगा, HNO3, इसका भी क्षारकता कितना होगा, एक होगा, ये भी प्रतिस्थापनशील हाइड्रोजन एक ही दर्शाता है। H2SO4, इसका क्षारकता कितना होगा, दो होगा। H3PO3, इसका क्षारकता कितना होगा, ना ना भाई, ये एक स्पेशल ध्यान में रखना है कि इसमें दो ही हाइड्रोजन प्रतिस्थापनशील है, तीसरा हाइड्रोजन प्रतिस्थापनशील है ही नहीं, आपने स्ट्रक्चर में इनऑर्गेनिक के अंदर पढ़ा है। तो कुल मिलाकर मैं आपको कहूँ, आप सबको मत याद रखो, आप केवल इसी को याद रखो H3PO3 कि इसका क्षारकता दो है, बाकी जिसमें जितना हाइड्रोजन है, देखिए एक 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 दो दो, मैं फिर आगे लिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने आपको लिखाया H3PO4, इसका भी कितना, तो याद हमको किसका रखना है, H3PO3 का, कि इसका तीन नहीं होता, इसका कितना होता है, दो होता, बाकी जिसमें जितना हाइड्रोजन है उसका उसका उतना होता है। लेकिन ये बातें हमेशा लागू नहीं होगा, इन चीज़ों पर परफेक्टली 100% लागू है। ठीक है, नोट कर लो सर। तो अब क्वेश्चन, किस सिचुएशन में मोलरता और नॉर्मलता बराबर रिप्रेजेंट करेगा वो बताइए। जब क्षारकता कितना हो, एक हो, जब एक से आप डिवाइड कर दीजिए तो देखिए मोलरता और नॉर्मलता दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्षारकता जब एक से अधिक हो, एक से कम कभी भी एसिडिटी नहीं हो सकता, तो एक से अधिक हो तो क्षारकता और मोलरता आपस में बराबर नहीं होगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, लिखिए तो आप भी लिखिए, 0.6 mL वाले H2SO4 का नॉर्मलता होगा, आपको बताना है कि क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है 0.6, ऑप्शन नंबर बी है 0.4, ऑप्शन नंबर सी है 0.2, ऑप्शन नंबर डी है 0.1 या 0.1, ये ऑप्शन थोड़ा चेंज कर लीजिए, ये 3 कर लीजिए, ये 0.2 कर लीजिए, ऐसा कर दीजिए, बताइए क्या होगा, कितना, 0.2। अरे भाई देखो, हमको निकालना क्या है, नॉर्मलता। एक भी ऑप्शन इसके करेक्ट हैं क्या? नहीं सर, एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अगर हम ई में एक ऑप्शन बना दें 1.2, क्या बना दें, 1.2, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ई नंबर। क्यों? देखो सर, चूंकि एम बराबर एन बटा क्या, टी चार्ज, ऐसा है आपके पास, या बेसिसिटी कर लीजिए, चूंकि अम्ल है तो एन बराबर एम, एम का वैल्यू कितना, 0.6,
और देखो इसका क्षारकता, वैसे भी हाइड्रोजन का चार्ज कितना होता है, प्लस वन होता, और इसका क्षारकता भी आप लाइएगा तो कितना, दो। अभी प्लस वन, दो गो हाइड्रोजन है, दो से गुना करेंगे दो, तो 1.2। आप ऐसे करके इस तरह के क्वेश्चंस को बनाइए। तो सामान्य तौर पर ना ऐसे क्वेश्चंस हमेशा अम्ल के लिए पूछा जाता है, तो आप टी चार्ज के जगह पर विशेष तौर पर क्या लिखना पसंद करिए, क्षारकता, नोट कर। आगे बढ़े, अब यहाँ तक में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विशेष तौर पर मात्रक से, ताप में परिवर्तन के वजह से ये सब चीज़ें होगा, नॉर्मलता और मोलरता के वजह से, डायरेक्ट मोलरता और नॉर्मलता भी पूछा जा सकता है डाटा देकर, उसके वजह से भी। अच्छा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लिखिए फिर आगे बढ़ेंगे, लिखिए। तो 234 ml बिलियन में 34 ग्राम विलेय घुला है, जिसका अनुभार 17 ग्राम पर मोल है, तो बिलियन का मोललता होगा, तो बिलियन का मोललता होगा क्या होगा सर? ऑप्शन ए मैं लेता हूँ, 0.5। ऑप्शन बी मैं लेता हूँ 1। ऑप्शन सी ले लेता हूँ 0.25। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। देखो सर, अगर इसके सॉल्यूशंस के लिए मैं काम करूँ तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। मोललता बराबर आपने पढ़ा, विलेय का भार बटा अनुभार गुना 1000 बटा डब्लू इन ग्राम विलायक का द्रव्यमान। तो सिंपली इस पर बनाइए, विलेय का भार कितना है 34 ग्राम है, अनुभार कितना है 17 ग्राम है, गुना 1000 बटा, अब देखिए ये 234 ग्राम बिलियन है ना, उस बिलियन में 34 ग्राम विलेय है, मतलब विलायक कितना बचा 200 ग्राम बचा, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 200 लिख देंगे सर, 17 दूना कितना 34, और ये कट जाएगा, ये कट जाएगा कितना से 100 से कट गया, मतलब कितना आ रहा है 10 आ रहा है, क्या 10 कोई ऑप्शन है? नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन नन ऑफ दिज हमको करेक्ट करना पड़ेगा, नोट कर लीजिए। आप इन्हीं बेसिक टॉपिक के बल पे अगला क्वेश्चन बना पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अनुशंख गुणधर्म किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, व्याख्या करें। ये इतना लंबा क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, ये क्वेश्चन क्यों बतलाया जा रहा है, थ्योरी कवर करने के लिए। हमने आपके असाइनमेंट्स के अंदर पहला दफ़ा इस चैप्टर्स के अंदर जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आया है, उस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की संख्या 10 है, कितना है सोच के देखो, 10 साल में 10 क्वेश्चन है, यानी कोई ऐसा भाई पूजन पूजा करूँ तेरा मैं या करवाऊँ, नहीं हमको देख के मत डरो, कम से कम इधर एक बार देखो, ठीक है, उनका एक आध हाथ पर गया तो उठ जाओगे, ठीक है। हाँ तो इधर जो है वो 10 क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप में, यानी कोई ऐसा साल नहीं रहा जिस साल इस चैप्टर से लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा, पहली बात। दूसरी बात, आश्चर्य की बात क्या है जानते हैं, जब ये सेट आपके पास जाएगा तो ध्यान से देखिएगा ये 10 क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा हुआ है, एक ही टॉपिक है, वह नाम क्या है, अनुशंख गुंधर। तो बिलियन चैप्टर में आपको कुछ आए ना आए क्या आ जाना चाहिए, हाँ आप बोर्ड में अच्छा परफॉर्मेंस चाहते हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एक एक बिंदु ध्यान से देख लीजिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के कहता है कि बिलियन में कहाँ डूब रहे हो, आओ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का आनंद लो ना, अनुशंख गुणधर्म का पूरा आनंद लीजिए। तो अनुशंख गुणधर्म क्लियर, ये चैप्टर क्लियर, तो अगला क्वेश्चन होगा हम आप लोगों का अनुशंख गुणधर्म, और 10 क्वेश्चन आप लोगों से बनवाएंगे, 10 में तो 2 हम बतला ही दिए हैं, 2-8 क्वेश्चन बाकी के आपको बनाने हैं, तो क्यों ना चलिए दूसरा क्वेश्चन को लिख दिया जाए, लिखिए। तो अनुशंख गुणधर्म किसे कहते हैं, यह कितने
प्रकार का होता है, व्याख्या करें। अनुसंख गुणधर्म किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, व्याख्या करें। क्वेश्चन कितने स्टेप में है भाई, दो स्टेप के अंदर है। क्वेश्चन कितने स्टेप के अंदर है, दो स्टेप के अंदर। पहला स्टेप कि आप बतला दो साफ साफ रूप से कि अनुसंख गुणधर्म है क्या। दूसरा स्टेप कि बताओ इसके कितने प्रकार हैं। तो आप सबको पता है कि इसके कितने प्रकार हैं, चारों का नाम लिख दो, और नाम लिखने के बाद उन चारों का क्या कर दो। हाँ, इतना लंबा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन यहाँ तक इजी रहेगा, सब में रहेगा। देखिएगा कि बोर्ड ने पिछले 10 वर्षों में यहाँ तक क्वेश्चन 5 बार पूछा है। ये मैं बोलने के लिए 5 बार नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन जब आपके पास जाएगा तो देख लीजिएगा, 5 बार पूछा है। और व्याख्या करें, इसमें से कोई एक दिया है प्रत्येक साल, चार में से कोई एक प्रत्येक साल दिया है। कभी अनुभार के लिए रिलेशन दिया है, कभी प्रासरणी दाब के लिए रिलेशन दिया, जो अनुसंख गुणधर्म है उसके लिए रिलेशन देता रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अनुसंख गुणधर्म से। नाम है अनुसंख, यानी जो अणु के संख्या पर निर्भर करता हो। अणु क्या है, तो कण है। अणु क्या है, कण है। तो जो कणों के संख्या पर निर्भर करता हो उसे क्या कहते हैं, अनुसंख गुणधर्म कहते हैं। सो लिख लीजिए सर डेफिनेशन, सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखा जाए। लिखिए, किसी विलयन के किसी विलयन का वैसा गुण जो उसमें उपस्थित विलय के कणों के संख्या पर निर्भर करता है उसे उस विलयन का अनुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। किसी विलयन का वैसा गुण जो उसमें उपस्थित, देखिए केवल और केवल किसके कणों की संख्या पर, विलय के कणों की संख्या पर। विलायक के कणों की संख्या से कोई लेना देना, अरे भाई विलायक के कणों का संख्या होता ही नहीं है, विलायक हमेशा एक ही होता है। विलायक के कणों की संख्या हमेशा एक ही, जैसा डालिएगा वैसा ही रहेगा। विलय कभी होता है, कभी जुट जाता है, कभी टूट जाता है। जुटना मतलब संयोजन और टूटना मतलब वियोजन। वियोजन जब होता है तब कण की संख्या बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए कि ये कण है और ये टूट गया, वियोजन हो गया, तो कण की संख्या क्या हो गया, बढ़ गया ना। लेकिन संयोजन में क्या होगा भाई, यही सब कण आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और ये सब कण आपस में ऐड होकर जुट जाएगा, एक कण बना लेगा। तो इस घटना को हम क्या कहेंगे, वियोजन कहेंगे, विघटन कहेंगे, और इस घटना को हम आप लोग क्या कहेंगे, संयोजन कहेंगे। इस घटना को हम आप लोग क्या कहेंगे, संयोजन। तो संयोजन हो गया, और इस कंडीशंस में क्या हो रहा था, वियोजन हो गया। ठीक है, वियोजन से कण घटते, ये बढ़ते हैं, और संयोजन से कण घटते। तो इसका मतलब क्या, ये गुण और किसी चीज़ पर निर्भर करता है, तो बिल्कुल नहीं करता। कणों के आकार, आयतन और रासायनिक प्रकृति, इन सब चीज़ों से क्या होता है, मुक्त होता है। सो लिखिए, तो पैराग्राफ चेंज करके, विलयन का अनुसंख्य गुणधर्म, अनुसंख्य गुणधर्म कणों के आकार, आयतन या रासायनिक प्रकृति से क्या होता है, मुक्त होता है, स्वतंत्र होता है, मतलब उस पर निर्भर नहीं करता है। पहली बात ये हो गया सर, और क्या आ सकता है इससे, और देखो, और एक चीज़ देखा गया कि जैसे जैसे कणों की संख्या बढ़ते चलेगा, वैसे वैसे अनुसंख गुणधर्म भी बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि अनुसंख गुणधर्म जो है वह कणों की संख्या के, तो पैराग्राफ चेंज करिए, नहीं उसी लाइन में लिखिए, नहीं चेंज करना है। अनुसंख गुणधर्म अवयवी कणों के संख्या के समानुपाती होता है। अवयवी कणों के संख्या के समानुपाती होता है, अर्थात आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे सर, अर्थात अनुसंख गुणधर्म
समानुपाती कणों की संख्या है। कण की संख्या बढ़ने से अनुसंख गुणधर्म बढ़ेगा और कण की संख्या घटने से अनुसंख गुणधर्म घटेगा। तो एक क्वेश्चन इस आंसर का, इस क्वेश्चन का आधा आंसर कंप्लीट होता है। दूसरा है कि यह कितने प्रकार का होता है, तो हम सीधे तौर पर स्टार लगाएंगे और लिखेंगे सर अनुसंख गुणधर्म, अनुसंख गुणधर्म कितने प्रकार का, चार प्रकार का होता है। भाई कौन कौन सा है, तो सबसे पहला नंबर एक वाष्प दाब का, चलो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अच्छा डायरेक्ट वाष्प दाब का अवनमन भी लिखा हुआ मिलेगा, आपेक्षिक अवनमन। दूसरा क्या है, क्वथनांक का उन्नयन, यानी हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं भाई, क्वथनांक उन्नयन लिख सकते हैं। तीसरा हिमांक का अवनमन, यानी हिमांक अवनमन लिख सकते हैं। चौथा प्रासरण। इतना तो आपको हर प्रत्येक क्वेश्चन में कॉमन दिखेगा, ठीक है, यहाँ के बाद चीज़ें हटने लगेगा, नोट कर लीजिए इसको, हो गया। चलिए अब अगले क्लास में हम आप लोग इन चारों पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है, क्वथनांक उन्नयन क्या है, हिमांक अवनमन क्या है, प्रासरणीय दाब क्या है। इन चारों पॉइंट्स से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक एक क्वेश्चन को दो दो बार पूछा गया। आप देखिएगा क्वथनांक उन्नयन, प्रासरणीय दाब, इस दो इस क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में भी ये दो टॉपिक इतना भी आए हैं, इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके क्वेश्चन एक 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 ही वर्ष में लॉन्ग आंसर टाइप में भी पूछा गया है और शॉर्ट आंसर टाइप में भी पूछा गया, कभी कभार ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया, तो ये बहुत आवश्यक है। अगले क्लास में इसकी व्याख्या हम आप लोग करते हैं, आज के लिए बस इतना ही।